आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल मैनेजर ने छात्रों को पीटा है। फरुखाबाद में स्कूल मैनेजर ने दो छात्रों को जमकर पीटा, बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉपी में प्रेम पत्र मिलने पर मैनेजर ने छात्रों को पीटा। घायल छात्रों ने मैनेजर के खिलाफ की कार्रवाई। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला। फरुखाबाद में स्कूल मैनेजर ने दो छात्रों को जमकर पीटा। कॉपी में प्रेम पत्र मिलने पर मैनेजर ने छात्रों को पीटा। घायल छात्रों ने मैनेजर के खिलाफ की कार्रवाई। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला। फरुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फरुखाबाद में स्कूल मैनेजर ने दो छात्रों को जमकर पीटा। कॉपी में प्रेम पत्र मिलने पर मैनेजर ने छात्र को पीटा। घायल छात्रों ने मैनेजर के खिलाफ की कार्रवाई। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला। फरुखाबाद में स्कूल मैनेजर ने दो छात्रों को जमकर पीटा। फरुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कॉपी में प्रेम पत्र मिलने के बाद मैनेजर ने छात्र को जमकर पीटा। घायल छात्रों ने मैनेजर के खिलाफ की कार्रवाई। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। फरुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, फरुखाबाद में स्कूल मैनेजर ने दो छात्रों को जमकर पीटा। कॉपी में प्रेम पत्र मिलने पर मैनेजर ने छात्रों को पीटा है, फरुखाबाद से ये खबर सामने आ रही है। थाना शमशाबाद का मामला है, जहां घायल छात्रों ने शिकायत दर्ज करवाई है और इसके बाद कार्रवाई की गई है। फरुखाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल मैनेजर ने दो छात्रों को जमकर पीटा है। प्रेम पत्र मिलने का मामला है, कॉपी में प्रेम पत्र मिला है जिसके बाद जमकर पीटा गया है। घायल छात्रों ने मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला है, जहां पे शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो घायल छात्रों ने मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। थाना शमशाबाद क्षेत्र का मामला सामने आया है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या है पूरा मामला, किस वजह से की गई है छात्रों की पिटाई? ये समताबाद क्षेत्र के कुइया धीर गांव में स्थित एक कॉलेज का मामला है, जहां पर एक छात्र है सुधाकर, उसके बैग में एक प्रेम पत्र मिला था। तो उसके बाद जो प्रबंधक थे वो आग बबूला हो गए, आप ऐसे बाहर हो गए, उन्होंने छात्र की पिटाई चालू कर दी। जब एक दूसरा छात्र पूछने के लिए आया कि क्यों पिटाई की जा रही है, तो उन्होंने उस छात्र के भी डंडे से पिटाई चालू कर दी, उसके हाथ में भी चोट आई है। फिर छात्र लगभग एक दर्जन से अधिक छात्रों के साथ थाने पहुंचकर प्रबंधक के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और छात्रों द्वारा बताया गया है कि जो प्रबंधक है, मैनेजर है, वो बहुत ही मतलब गुस्से वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और पहले भी मारपीट छोटी छोटी बातों पे कर चुके हैं। जी, तो इस मामले में छात्रों के परिजनों का क्या कहना है सुंदरम? जी, छात्रों के परिजन तो अभी तक थाने में नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो बच्चे हैं और जो उनके साथ के लोग पहुंचे, उनका यही मानना है कि इस पर जो भी है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो दो छात्र हैं वो घायल हुए हैं, उनके चोटें भी आई हैं, किसी के हाथ में चोट है और किसी के मतलब उंगलियों में भी चोटें आई हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आशीष मिश्रा समेत पांच लोगों ने डाली थी जमानत अर्जी। अंकित दास समेत चार लोगों की जमानत अर्जी खारिज, आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी हुई वापस। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आशीष मिश्रा समेत पांच लोगों ने डाली थी जमानत अर्जी। अंकित दास समेत चार लोगों की जमानत अर्जी खारिज, आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी हुई वापस। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, आखिर क्या वजह है जिस वजह से अर्जी को खारिज कर दिया गया? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से, और लगातार
आशीष मिश्रा की जमानत के लिए कोशिश की जा रही है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा समेत 5 लोगों ने जमानत अर्जी डाली थी। अंकित दास समेत 4 लोगों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी भी वापस हो गई है। लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा समेत 5 लोगों की जमानत अर्जी डाली गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। 4 लोग अंकित समेत 4 लोग यानी कि सभी की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है। आशीष मिश्रा समेत 5 लोगों की अर्जी खारिज, 4 लोगों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। अंकित दास भी जिसमें शामिल है। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी वापस हो गई है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। धीरज, आखिर क्या वजह है जिस वजह से जमानत नहीं मिल पा रही है, क्या सख्त कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, जो आशीष मिश्रा है तिकुनिया का, लखीमपुर तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी जी, माने की जांच जो धाराएं है वो बदली जा चुकी है। कल कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत, उसके बाद में जो कल की डेट में 5वीं बार अर्जी जमानत अर्जी लगाई गई थी, उसमें जो 4 लोगों की, जो अन्य 4 आरोपी थे उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। वहीं पर जो आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी लगाई गई थी वो किन्हीं कारणों पर, जो आशीष मिश्रा के वकील है उन्होंने बताया कि किन्हीं बिंदुओं के कारण जो अर्जी वापस ली गई है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी कुछ साफ नहीं हो पा रहा कि किस कारण अर्जी वापस की गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े थे लखीमपुर खीरी से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम अटल राम संकल्प, अपने अपने राम की प्रस्तुति, कवि कुमार विश्वास कार्यक्रम में देंगे प्रस्तुति, कानून मंत्री बृजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम अटल राम संकल्प, अपने अपने राम की प्रस्तुति, कवि कुमार विश्वास कार्यक्रम में देंगे प्रस्तुति, कानून मंत्री बृजेश पाठक भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां केजीएमयू में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम अटल राम संकल्प, अपने अपने राम की प्रस्तुति होगी जिसमें कवि कुमार विश्वास कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। लखनऊ में अडानी ग्रुप को देश का गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अडानी को LOA जारी किया गया है। DBFOT मॉडल पर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अडानी ग्रुप को 6 लेन एक्सप्रेसवे का ठेका दिया गया। अडानी को यूपी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला है। लखनऊ में अडानी ग्रुप को देश का एक्सप्रेस प्रोजेक्ट मिला है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अडानी को LOA जारी किया गया है। DBFOT मॉडल पर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अडानी ग्रुप को 6 लेन एक्सप्रेसवे का ठेका मिल गया है। अडानी को यूपी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला है। लखनऊ में अडानी ग्रुप को देश का एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मिला। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अडानी को LOA जारी। DBFOT मॉडल पर एक्सप्रेसवे बनाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को 6 लेन एक्सप्रेसवे का ठेका मिला। अडानी को यूपी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में अडानी ग्रुप को देश का एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मिला है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अडानी को LOA जारी कर दिया गया है। DBFOT मॉडल पर एक्सप्रेसवे बनाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को 6 लेन एक्सप्रेसवे का ठेका मिला। अडानी को यूपी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया गया है। लखनऊ में अडानी ग्रुप को देश का एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मिला। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अडानी को LOA जारी किया गया। बड़ी खबर सामने आ रही है। DBFOT मॉडल पर एक्सप्रेसवे बनाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप को 6 लेन एक्सप्रेसवे का ठेका मिला है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अडानी को यूपी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।